तो दोस्तों आज हम प्रयास में प्रयास करेंगे गच्चक बनाने का, और वो भी एक आसान तरीके से, ताकि थोड़े समय में कुरकुरी और स्वाद गच्चक बनके तैयार हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गच्चक बनाने का तरीका। इसके लिए हमने लिए हैं 125 ग्राम तिल। इनको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है। ये तैयार हो गए हैं, उसकी निशानी ये है कि तिल थोड़े फूल जाएंगे, पफी हो जाएंगे और उनका कलर बदल जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लेकिन हमें इनको लगातार चलाते रहना है। तो अब जैसे देख सकते हैं कि तिल फूल गए हैं, पफी हो गए हैं और इनका कलर बदल गया है। तो अभी गैस को बंद कर देंगे और बर्तन ठंडा होने तक धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए इसको चलाएंगे और फिर हम इसे दूसरे बर्तन में बदल देंगे। और अभी हमें पहले भूनना है बेसन, तो उसको भूनने के लिए हमने लिया है 1 चम्मच घी। घी को मेल्ट करके इसमें हम बेसन को भून लेंगे। अब जैसे कि घी गर्म हो गया है तो हम इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम बेसन। बेसन को हमें लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए लगातार भूनना है, और भूनते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें गांठ ना पड़े। तो इसके लिए हमें बेसन को भूनते भूनते ही इसकी गिठान जो है वो साथ साथ ही तोड़नी पड़ेगी। ऐसे करके चलाते हुए साथ साथ बेसन को तोड़ते जाएं। अच्छा देखिए, अब हमें बेसन भूनते भूनते लगभग 7 मिनट हो गए, और 7 मिनट के बाद इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, किसी किस्म की कोई गांठ भी नहीं रही है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम गैस बंद कर देंगे, बर्तन को ठंडा होने तक इसे चलाएंगे और फिर इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा तो दोस्तों अब है एक चीज नोट करने वाली, ये इस रेसिपी का बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जरूरी स्टेप है। वो ये है कि हमने ऐसे एक बटर पेपर को अच्छे से घी लगा के पहले ही रख लेना, क्योंकि बाद में जब हम इसके ऊपर सारा मटेरियल लेके आएंगे तो हमारे पास इस चीज़ को तैयार करने का टाइम नहीं होगा। वो जब हम उस स्टेप पे आएंगे तो आपको फिर उस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा तो दोस्तों जो हमने तिल लिए थे वो अब ठंडे हो गए हैं, तो अब हम उसका आधा हिस्सा ले रहे हैं ग्राइंड करने के लिए। इसको एक ग्राइंडर में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसको ये बाकी के तिल जो साबुत हैं उसी में मिक्स कर देंगे। अच्छा तो दोस्तों अब बारी है इस रेसिपी की दिल और जान, गुड़ की, जिसके बिना ये किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अब हमने इसको गुड़ को मेल्ट करके इसको चाशनी में बदलना है। तो उसको बदलने के लिए हमने इसमें डाला है 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच घी, और अब हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें बबल्स आने शुरू नहीं हो जाते। ये पहले मेल्ट होगा और फिर कुछ देर के बाद उसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि अब इसमें अच्छे खासे बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब समय है चेक करने का कि क्या ये गुड़ गच्चक के लिए तैयार है। तो उसमें हमने एक कटोरी में थोड़ा पानी लिया है और उसमें हम इसकी एक बूंद डाल के देखेंगे। अभी
जैसे आप देख पाएंगे कि अगर मैं अब इस गुड़ को निकाल के चेक करूं तो वो आसानी से मेल्ट होता जा रहा है। तो अभी इसके लिए हमें गुड़ को कुछ देर और पकाना पड़ेगा। अभी जैसे गुड़ अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है, तो अब हम एक बार फिर से पानी में चेक करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि गुड़ बन के तैयार है। हाँ जी जी, देखिए अभी गुड़ पूरे तरीके से पक के तैयार हो गया है। और इसको अगर हम तोड़ें तो उसको तोड़ने पे उसमें से कड़क की आवाज़ आती है। तो अब जैसे कि गुड़ बन के तैयार है, तो हमें गैस को बिल्कुल हल्के पे रख के अब जो भी काम करना है वो जल्दी जल्दी से करना है। अभी सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए हाथ में, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। हमने बेसन को मिला दिया है। बेसन को मिलाने के साथ ही जो तेल का साबुत और पिसे हुए तेल का चूरा था वो सारा भी हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब इसको किसी में साथ साथ ही चलाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नीचे गैस बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। अब गुड़, तेल और बेसन तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अपना बटर पेपर तैयार रखें और नीचे हल्की गैस आग जलती रहने दें, बंद मत करें। गरम गरम मटेरियल को हमने बटर पेपर जिसके के ऊपर हमने पहले घी लगा लिया था उसको इसके ऊपर ट्रांसफर कर लेना। और ट्रांसफर करने के बाद इसको अपने हाथों से इसको ऐसे, एक ध्यान रखिए गर्म बहुत है, हाथों को बचाते हुए हल्के हाथों से इसको ऐसे एक गोल पेड़े का आकार दे दीजिए। और अभी इसी बटर पेपर को जिस पे हमने पूरे पे घी लगाया है इसको डबल करके अपने हाथों से इसको हल्के हाथों से थोड़ा बिछाने की कोशिश करें। और अब इसी स्टेज पे हमें इसे बेलन से बेलना है। ध्यान रखिए कि हमने इसकी मोटाई लगभग आधा सेंटीमीटर तक रखनी है। और इसी स्टेज पे हम लोगों ने जो थोड़े बादाम 25 पीस काट के रखे थे उसको इसके ऊपर बिछा देना। और बिछाने के बाद फिर से एक बार पेपर को डबल करके दोबारा से बेलन चला देना। तो देखिए अब एक सुंदर गच्चक बनके तैयार है। लेकिन इसमें एक और टिप है कि ये थोड़ी देर में बहुत कड़क हो जाएगा, तो इसलिए अभी अभी ही हमें इसको कट लगा देने, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रयास सफल हुआ, एक अच्छी और कुरकुरी गच्चक बनके तैयार है। लेकिन ये अभी भी अधूरी है क्योंकि इसको पूरा करती है मूंगफली। तो अपने घर में अंगीठी जलाइए और अपने दोस्तों परिवार के साथ बैठ के मूंगफली और गच्चक का मजा लीजिए और खुश रहिए।